हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्रों के बारे में, और आज का अपना विषय है राजनीति विज्ञान कक्षा 12। तो आज अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले आपको पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने लगभग पाठ्यक्रम को 40% तक कम कर दिया गया है। कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं यह आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके वीडियो देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज अपन बात कर रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र की, कि जब बोर्ड का आपका पेपर आएगा उस पैटर्न में किस प्रकार से बदलाव किया गया है, क्योंकि कोरोना के कारण आपकी पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हुई, जिसके कारण पाठ्यक्रम को 40% कम करने के साथ साथ मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि पेपर में हुए पैटर्न के बदलाव को आप अच्छे से समझ सकें और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहे। तो जैसा कि देखो आपको दिखाई दे रहा है, विषय है आपका राजनीति विज्ञान। परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, 80 नंबर के ही आपका पेपर होगा। सामान्य निर्देश में ये है कि भी सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र यानी पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं। पेपर में दिए हुए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पेपर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में ही लिखना है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं, यानी एक ही प्रश्न के एक से ज़्यादा भाग है तो उसके सारे भागों के उत्तर एक ही जगह आपको लिखने हैं। यदि प्रश्न पत्र में हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी वर्जन को सही माना जाएगा, तो हिंदी में जो लिखा है वो सही है। अंग्रेजी वाला वर्जन अगर मीनिंग कुछ गड़बड़ भी है तो हिंदी वाला सही माना जाएगा। इसके बाद देखो, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है, क्योंकि अपने को क्या करना है, वहाँ प्रश्न तो वापस लिखना है नहीं, तो जिस प्रश्न का उत्तर अपन लिख रहे हैं उसके नंबर को सही लिखना है कि ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्नों का अंक बार इस प्रकार से है, आपका पेपर 5 भागों में विभाजित आएगा। खंड अ जो है, जिसमें पहला सवाल जिसके 10 भाग होंगे और दूसरे से 11वें तक एक एक सवाल, यानी कुल मिलाकर 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, कुल 20 अंक। खंड ब देखिए, इसमें 12 से लेकर 19 तक कुल 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कुल 16। खंड स देखिए, इसमें आपको जो है 20 से 23 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, कुल 16 अंक। खंड डी देखिए, यहाँ आपको जो है 24 25 2 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, कुल 10 अंक। और खंड य या ई देखिए, इसमें आपको 26 से 28 3 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, कुल 18 अंक। तो इस प्रकार से कुल 80 नंबर का पेपर आपको होने वाला है और कुल 28 प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। अब देख लेते हैं पेपर के एक मॉडल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि भी देखो खंड अ में क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो सेक्शन ए, जिसमें नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी मल्टीपल चॉइस वाले जो है आंसर शीट में ही लिखना है, पेपर में नहीं लिखना है। कि भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, कि संसद कहा जाता है। तो जो सही है उसको आपको भरना किस में है, कॉपी के अंदर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान करता है, उस अनुच्छेद को चुनकर यहाँ से जो है विकल्प में से चुनकर लिखना है। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है, संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत होता है। तो वित्त विधेयक या धन विधेयक सबसे पहले किस में होगा, लोकसभा में होगा, तो वो आपको भरना है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भावार्थ क्या है, इनमें से जो उचित है विकल्प उसका चयन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है वो आपको लिखनी है, कि भाई वीटो पावर कितनों के पास है, वो स्थायी हो गया। इसके बाद किस विचारक ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है, उस वैज्ञानिक या विचारक को जो है आपको विकल्प में चयन करना है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केंद्र सरकार को है, तो सही विकल्प चुनना है आपको। वितरणात्मक न्याय प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, तो इन दार्शनिकों में से जो सही है उसका चुनाव करना है। विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षा
ये तो बलिदान की घटना किस गांव में हुई, तो ये खेजड़ली गांव में हुई। तो सही विकल्प का चयन करना है। और इसके बाद देखो दसवां, वो विकल्प का अंतिम प्रश्न कि भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व क्या है, तो सही विकल्प जो है उसका चयन करना है जो है। अब देखो प्रश्न संख्या 2 से 8 तक के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देने हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो एक अंक का रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, दूसरा सवाल, आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तीसरा, विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है। चौथा, जनसंचार के 3 माध्यम। पांचवा, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विद्वान मानता है। छठा, द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किस लेखक की है। सातवां, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। आठवां, संविधान के किस संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और इसके बाद देखो, 9वें से 11वें तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये भी एक एक नंबर के हैं कि भाई राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, उनकी संख्या बतानी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग में है तो वो लिखना है आपको। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली, तो 1971 में मिली, वो आपको लिखना है। इसके बाद देखो खंड ब आ गया, सेक्शन बी, जिसमें 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा। तो देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने, शक्ति और प्रभाव में 2 अंतर बताइए। 13वां, समानता के कोई 2 आधारभूत तत्व बताइए। 14वां, राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार की भूमिका के बारे में बताइए। 15वां, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने के 2 कारण बताइए। 16वां, राजनीतिक अपराधिकरण का अर्थ बताइए। 17वां, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अभिप्राय है। 18वां, एकल नागरिकता क्या है। और 19वां, राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। अब इन विकल्पों में से विकल्प तो है ही नहीं, प्रत्येक प्रश्न के जो है 2-2 अंक का प्रत्येक सवाल है, उसके जवाब आपको देने हैं। अब देखो आ गया खंड स, यानी कि सेक्शन सी, जहाँ की प्रत्येक सवाल 4 अंकों का है और आपको एक विकल्प भी मिलेगा। देखिए, स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों का विवेचना कीजिए, अथवा अरस्तु के न्याय संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। दोनों में से जिसका आंसर आपको अच्छे से आता है वो लिखना है। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, कोई 4, अथवा ये नहीं आता तो राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में निम्न पर विवेचनाएं कीजिए, राजनीतिक दल और शिक्षण संस्थाएं। 22वां, देखो, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है, इस कथन के आधार पर आप जातिवाद के 4 नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा मैं देखो, सांप्रदायिकता केवल हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप है, इसे दूर करने के 4 उपाय समझाइए। अगला देखो, आपके मतानुसार गठबंधन की राजनीति के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। अथवा मैं आपको दिया हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख कारकों की तालिका बनाइए। अगला देखो, भारतीय संविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताओं की तुलनात्मक तालिका बनाइए। अथवा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का घोषणात्मक उद्देश्य एवं विवरणात्मक भाग की तालिका बनाइए। 26वां प्रश्न, देखो, नीति आयोग के गठन का उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अथवा भारत के संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक न्याय पर टिप्पणी कीजिए। तो इनमें से जो आपको अच्छे से आता है उसका जवाब आपको देना है। 27वां, देखो, संसद के निम्न कार्यों की विवेचना कीजिए, संविधान संशोधन और कार्यपालिका और नियंत्रण। अथवा मैं देखो, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो दोनों में से जिसका आंसर आपको अच्छे से याद है वो लिखना है। और अंतिम सवाल आपके सामने, जो कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं, उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो जो आपको अच्छे से आता है, इस प्रकार से 28
प्रश्न जो है वो आपके प्रश्न पत्र में होंगे, उनका सही से जवाब देना है और आपको अपनी तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता चल गया होगा कि भाई अपना बोर्ड का जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, हमें आंसर कैसे देना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सकें, अपनी तैयारी को जारी रखें। निश्चित रूप से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं समय पर होंगी और आपने जो सपने संजोए हैं उन सपनों को पूरा करना आपका परम धर्म और कर्तव्य है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।